ठीक है, और हम करेंगे तंदूरी ड्रम स्टिक्स। मैंने एक कप लिया है पानी और उसमें मैंने शामिल किया है ड्रम स्टिक्स। चिकन लेग्स मैंने लिए थे, तकरीबन मैंने लिए हैं, इसमें आधा किलो लिखा है, बट आई हैव टेकन 750 ग्राम्स। ठीक है, इसमें मैंने एक कप पानी डाल दिया है। तंदूरी मसाला डालूंगी मैं 3 टेबल स्पून, और इसमें मैं वाइट विनेगर डालूंगी फ्रेश स्ट्रीट का, ये जाएगा इसमें आई थिंक 1/4 कप, नहीं 2 टेबल स्पून वाइट स्ट्रीट का, फ्रेश स्ट्रीट का वाइट विनेगर। इसको आप मिक्स कर लीजिए, नमक वमक कुछ नहीं डाल रहे, तंदूरी मसाले में नमक है। ये रमज़ान शरीफ के लिए भी बहुत मज़े के बनते हैं, दावतों के लिए ये बहुत मज़े की है। बस अब आप इसका चूल्हा जला दीजिए और इसको आप बॉईल कर लीजिए जब तक कि टांगे हमारी गल जाएंगी और पानी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, हल्के पे रखा है और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये इसका क्या हाल है, ये हो रहा है अभी। ठीक है, जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, हमारी टांगे तो मुझे लग रहा है गल चुकी हैं बिकॉज गोश्त अलग हो रहा है इसमें से। बस इसको हम निकालेंगे और फिर इसके साथ क्या होगा वो आके देखिएगा। अब हमारे पास बॉइल्ड एंड मैश पोटैटोज़ हैं। बॉइल्ड एंड मैश पोटैटोज़ में मुझे नमक डालना है। अब देखें मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। बॉइल्ड एंड मैश पोटैटोज़ में मुझे थाई चिली सॉस डालनी है, इसकी फ्रेश स्ट्रीट की 1 टीस्पून। ओके, ब्लैक पेपर जाएगा, ये रहा मेरे पास ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। अच्छा, इसके बाद नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। इसके बाद जाएगा इसमें मस्टर्ड फ्रेश स्ट्रीट का, मस्टर्ड पेस्ट 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड 1/2 टीस्पून। और हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची 1 चौथ। अब इसको मुझे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब जैसे ही हमारी ड्रमस्टिक्स ठंडी होंगी, मैं इस आलू से उसको कोट करूंगी, अंडे में डिप करूंगी, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है, ये बहुत गर्म है अभी, मैं इसको टच नहीं कर सकती, तो हम कर लेते हैं कलेजी। ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह ये कपकेक्स हुए हैं, आपके मुंह में घुलेंगे, दे आर सो सॉफ्ट। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, ये देखिए मैंने जो टांगे बॉईल की थी तंदूरी मसाले के साथ, ठीक है, इसके आलू में मैंने सारी चीज़ें मिलाई थी, उस आलू में मैंने, आलू से मैंने टांगों को, लेग्स को कवर कर दिया है। ठीक है, अब मैं अंडा फेंटूँगी, अंडे में इसको डिप करेंगे
और ब्रेड क्रम्स में हम इसको रोल करेंगे और हम फ्राई करेंगे।